नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आवर ब्रेन आवर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम अपनी एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करने जा रहे हैं कर्म थ्योरी पे। एज पर एस्ट्रोलॉजी जो कुंडली होती है वो आपके कर्मों का मिरर होता है, मतलब जो कर्म आपने किए हैं वो उसकी परछाई है। जब हम कुंडली बनाते हैं, कई बार हमें कोई कुंडली अच्छी बनती है, हमारी अच्छी लगती है हमें, कई बार हमें कोई कुंडली अच्छी नहीं लगती है। तो हमें एस्ट्रोलॉजर बताता है कि ये आपके पिछले जन्मों का इम्पैक्ट है, करेक्ट, ठीक है जी। और इसके लिए हमारी जो शास्त्र हैं उसमें भी लिखा है कि भगवान राम ने एक कर्म ऐसा किया था कि बाली को छुपके मारा था, तो उसका भगवान कृष्ण को भुगतान करना पड़ा। तो कर्म बहुत स्ट्रांग है और भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मों की गति बहुत गहरी है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है, करेक्ट। आज लेकिन हम उसको डीप जाने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे कर्म है क्या और साइकोलॉजिकल हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट। तो कर्म थ्योरी क्या कहती है, जो काम आपने कर दिया अच्छा या बुरा उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, करेक्ट। मान लिया, हम उस थ्योरी को मान लेते हैं कि जो काम हमने किया हम उसका भुगतान करेंगे, पर एज पर लॉ, हमारा जो इंडियन लॉ है उसमें भी ये लिखा है कि एक बार किए हुए गुनाह की सजा एक ही बार मिल सकती है, करेक्ट। कोई चोरी होगी, किसी ने किसी को मार दिया, तो उसको अगर फांसी की सजा हुई या उम्र कैद हुई तो एक ही बार, एक जुर्म की सजा एक ही बार मिलेगी, करेक्ट। लेकिन हमारी जो शास्त्र है उसमें यह भी लिखा है कि कई बार एक ही किए हुए कर्म की सजा मल्टीप्लाई करके मिलती है आपको, मतलब आपने अच्छा काम किया, कोई दान दे दिया उसको भी मल्टीप्लाई करके मिलता है, और अगर आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया जो अच्छा नहीं है वो भी आपको मल्टीप्लाई करके मिलता है, करेक्ट। ये है क्या साइकोलॉजिकली, ये क्या है, क्योंकि थ्योरेटिकली हमें तो दिख रहा है कि एक कर्म की सजा एक ही बार मिलनी चाहिए, मल्टीप्लाई वाला सिस्टम क्या है। तो आज हम आपको पूरा समझा देंगे इसको। अब आप समझिए, आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया जिसकी कर्म की वजह से आप उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं, करेक्ट। उसकी सजा जो मिलनी थी वो भी मिल चुकी है आपको, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बार बार घूम रहा है, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, उसका पेन डेली फील कर रहे हैं। साइकोलॉजी इसको क्या कहती है, डिप्रेशन। एक ही चीज जो बीत चुकी है, जो हो चुकी है, उसको हम भूल नहीं पाते, उसको हम बाहर नहीं आ पाते, उसी को हम याद करते रहते हैं। अभी हम छोटे छोटे अपने कुछ एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा था, मान लो वो पढ़ा नहीं किसी वजह से, उसका मन नहीं लगा पढ़ाई में, क्या हुआ, जब वो बड़ा हो गया तो उसने देखा उसके क्लासमेट बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे चले गए। अब जो काम उसने नहीं किया उसको मालूम है मैं पढ़ा नहीं, उसकी वजह से मैं इस पोजीशन पे हूँ, लेकिन वो बार बार उस मोमेंट को याद कर रहा है और परेशान हो, उससे क्या हो रहा है, एडिक्शन हो सकता है उसको, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, सिगरेट हो सकती है, शराब हो सकती है, कोई भी एडिक्शन में जा सकता है, डिप्रेशन तो सबसे बड़ा रीजन है ही। तो हम एक ही चीज के लिए अपने आप को बार बार परेशान कर रहे हैं या प्रताड़ित कर रहे हैं, करेक्ट। ये कर्म की वो थ्योरी है जो एक कर्म को हम बार बार जीते हैं, राइट। आसान हो गया ना, बिल्कुल। और अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने किसी गरीब को या किसी ऐसे जरूरतमंद को हेल्प कर दिया, कल वो जरूरतमंद अच्छी पोजीशन पे चला गया या किसी की शादी करा दी, आप जब जब उस मोमेंट को देखोगे आपको बड़ी खुशी फील होगी, आप बड़ा रिलैक्स फील करोगे, करा आपने एक बार है, करेक्ट, लेकिन आप उसको बार बार फील कर रहे हो। तो हम एक ही मोमेंट को बार बार जी रहे हैं। तो कर्म थ्योरी क्या कहती है,
कि आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जिसका आपको बार बार भुगतान करना पड़ता है। अब उसमें सलूशन क्या था? उसमें सलूशन था, जब आपको ऐसी परेशानियां हो जाती थी तो आप रेमेडी के लिए ऋषि मुनियों पे जाते थे, वो आपको सलूशन दे देते थे, तो आपको बार बार एक कर्म का भुगतान नहीं करना पड़ता था। तो इसका मतलब हम एक बार तो भुगतान करें, जायज है, समझ में आता है, बार बार तो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। जब हमें ऐसा लगता है अब हम बियर नहीं कर सकते, अभी हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा आ गया है, तब वहां ऋषि मुनियों पे लोग चले जाते थे। तो ऋषि मुनियों पे जाते थे राजा महाराजा और जाके रिक्वेस्ट करते थे कि हमें ये बार बार कर्म ना भोगने पड़े, इसका कोई रेमेडी, कोई तरीका हमें बता दीजिए, और फिर उस तरीके को वो फॉलो करते थे। आजकल क्या हो रहा है, करंटली साइकोलॉजिस्ट के पास हम आना नहीं चाहते, हमें शर्म आती है, हम एक ही चीज को बार बार भुगतान कर रहे हैं, घर पे बैठ के परेशान हो रहे हैं, बैठे बैठे रो रहे हैं, बैठे बैठे हंस रहे हैं, कुछ लोग बैठे बैठे ज्यादा खाते हैं, उसे ओवरवेट भी हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल खाना छोड़ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। ये सिम्टम अगर आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक गुनाह की एक ही बार सजा पाएंगे, हम जानबूझ के उसको बार 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 फील करना चाह रहे हैं, सिर्फ इसमें लोग क्या कहेंगे, शर्म आती है हमें, भाई फील तो आप कर रहे हो, करते रहो, शर्म, लोगों का काम क्या है। वो गाना है ना एक बहुत पुरानी मूवी का कि लोग कुछ तो लोग कहेंगे, शर्म से बाहर आइए। तो कोई भी ऐसा पेन जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से मैंने अभी सिम्टम दिए, नींद नहीं आ रही, ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, खाना नहीं खा पा रहे, ज़्यादा खा रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, आपको एक बार जाना चाहिए, ये मेरा अपना सुजेशन है। और लाइफ में ये सोचना चाहिए कि हमने जो भी कर्म किया है कर्म थ्योरी के मुताबिक, हम एक बार भुगतान करेंगे भाई, बार बार नहीं करेंगे। तो शर्म से बाहर आए आप लोग, और बाहर आने के बाद जो भी आपके पेन पॉइंट हैं उसको एक बार अगर आपने फील कर लिया, वो मेमोरी में अगर कहीं रिकॉर्ड हो गया है, वो इरेज हो सकता है, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डाटा इरेज हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस आपको कम पेनफुल हो सकता है, ये सारे काम हो सकते हैं, बशर्ते आप ये चाहते हैं कि जो पेन पॉइंट हैं आप उसको एक ही बार क्लियर करना चाहेंगे लाइफ में। राइट दोस्तों, हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी जो सीरीज हमारी चल रही है, हम इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आपसे दोबारा से शेयर करेंगे, नए वीडियो में आएंगे। तब तक आपको रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसका बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके हर सवालों का जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।